यूजीसी नेट के अलावा कई और एग्ज़ाम देखे, टेट के एग्ज़ाम देखें, सेट के एग्ज़ाम देखें, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कुछ भी एग्ज़ाम देखें, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे गुप्ता एम्पायर। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, तो चलिए जानते हैं एक बार। देखिए, आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ मौर्यन एम्पायर द सातवाहन एंड कुषाण इमर्ज एज अ टू लार्ज पोलिटिकल पावर्स। देखिए हुआ क्या था कि जब मौर्यन एम्पायर सातवाहन और कुषाण, देखिए जब मौर्यन एम्पायर जो था, मौर्य वंश जब ख़त्म हो गया, तो सातवाहन और जो कुषाण थे, दो जो पॉलिटिकल पावर जो निकल के आई थी। ठीक है, आपको पता ही है कि जो सातवाहन वंश था वो मौर्य साम्राज्य जैसा ही था, लेकिन जैसे मौर्य साम्राज्य बहुत ज़्यादा विशाल था उसके जैसा, उसके बाद फिर सातवाहन और कुषाण वंश ने राज किया। सातवाहन एक्टेड एज द एस्टेब्लिशिंग फैक्टर इन द डेक्कन एंड साउथ टू विच दे गेव पॉलिटिकल यूनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए जो सातवाहन थे वो कहाँ पे थे, वो डेक्कन एरिया थे, यानी कि साउथ इंडिया में थे, तो इनका सेम जो शासन था वो वैसा ही था जैसा कि मौर्य एम्पायर का था। तो ये पॉलिटिकल यूनिटी इन्होंने बना के रखी थी, यानी कि राजनीतिक एकता। द कुषाण परफॉर्म एज द सेम रोल इन द नॉर्थ। देखिए जैसा सातवाहन वंश राज करते थे, सेम वैसा ही कुषाण वंश ने नॉर्थ में अपना राज किया था, यानी कि पॉलिटिकल यूनिटी जहाँ पे साउथ में किसने बनाई रखी थी सातवाहन वंश ने, वैसे ही नॉर्थ में कुषाण ने बना रखी थी। बोथ दीज एम्पायर्स केम टू एंड इन द मिडल ऑफ द 3rd century AD। अब देखिए इनका भी जो एम्पायर था वो मिडल 3rd century में ख़त्म होना शुरू हो गया। कुषाण पावर इन द नॉर्थ केम टू द एंड इन द अबाउट 230 AD। कुषाण वंश की जो पावर थी वो 230 AD में ख़त्म हो गई, एंड आफ्टर दैट ए गुड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया फेल टू मृदंस हु कंटिन्यू टू रूल टिल 250 AD। देखिए सुबह मृदंस आए 20 साल के लिए, यानी कि 230 के बाद देखिए इनका पतन होगा कुषाण का, तो 20 साल के लिए मृदंस आए। उसके बाद देखिए फिर आए गुप्ता, यानी कि गुप्ता और कुषाण के बीच में मृदंस आए, लेकिन गुप्ता वंश जो था वो काफ़ी समय तक रहे। देखिए 275 AD में क्या हुआ, 275 AD में ऑन द रिविन्स एंड द कुषाण एम्पायर रोज ए न्यू एम्पायर विच एस्टेब्लिश इट्स वे ओवर ए गुड पार्ट ऑफ द फॉर्मर डोमिनियन ऑफ बोथ एंड कुषाण एंड सातवाहन। अब देखिए कुषाण और सातवाहन जब ये ख़त्म हो गए, उसके बाद जो क्या गुप्ता वंश निकल के आया। देखिए गुप्ता वंश को गोल्डन एज कहा जाता है। अगर हम हमारी हिस्ट्री की बात करें तो गोल्डन एज किसे कहते हैं, गुप्ता वंश को कहते हैं, गुप्ता एम्पायर को। क्यों? क्योंकि देखिए उस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी ही जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा जो थी वो व्यापक थी, यानी कि बहुत ज़्यादा आगे थी, यानी कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आप देखिए कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे तरक्की हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे तरक्की हो चुकी थी, तो इसलिए इसे एंशियंट हिस्ट्री का या पूरी हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, देखिए दिस वॉज एम पावर ऑफ गुप्ता हु मे हैव बीन ऑफ वैश्य ओरिजिन। यानी कि गुप्ता कौन थे, ये वैश्य थे, होते हैं ना हमारे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये वैश्य ओरिजिन के थे। लिटल इज नोन ऑफ द अर्ली गुप्ता, फर्स्ट नोन रूलर वॉज श्री गुप्ता, प्रॉब्ली रूलर ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द नॉर्थ बंगाल एंड द साउथ बिहार। ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन घटोत्कच, बोथ अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा। ही मैरिड ए लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी एंड हैड हर पोर्ट्रेट इनग्रेव ऑन हिज क्वाइंस। देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि गुप्ता वंश की शुरुआत किसने की थी, यहाँ पे शुरुआत की थी गुप्ता वंश की श्री गुप्त ने, तो उसके बाद उनके बेटे जो घटोत्कच है वो बने थे राजा। इनकी श्री गुप्त ने क्या किया, गुप्त वंश की शुरुआत कर दी, फिर उनके बेटे आए घटोत्कच, फिर इन्होंने महाराजा की टाइट जो उपाधि थी वो धारण की। देखिए महाराजा की जो उपाधि थी वो गुप्ता वंश के समय से चली है, तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए कि महाराजा जो उपाधि है वो किन्होंने चलाई थी, वो गुप्ता वंश ने चलाई थी। ठीक है, तो लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से इन्होंने शादी की, तो इनका जो इनके बारे में जो इनके सिक्के जो ने सिक्के चलाए थे सोने के सिक्के उसके ऊपर लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सिक्के किसने चलाए थे सोने के, देखिए वो कुषाण ने चलाए थे, और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे, वो गुप्ता वंश ने चलाए थे, है ना। यानी कि सोने के सिक्के पहले किसने चलाए, वो चलाए थे कुषाण ने, और उसके बाद सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे, वो चलाए थे गुप्ता पीरियड में। ठीक है, आप इसको ये याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यही याद रखना है
कि जो श्री गुप्त इसके फाउंडर हैं और घटोत्कच इनके बेटे हैं, तो दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। अब बात करते हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त वन के बारे में। देखिए मेन किंग यहाँ से स्टार्ट होते हैं, चंद्रगुप्त वन ये थे 390 से 335। देखिए कई जगह पे 334 लिखा है, वो भी सही है क्योंकि देखिए हिस्ट्री है तो इसमें कुछ हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त वन ये वो चंद्रगुप्त नहीं है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य वाले चंद्रगुप्त नहीं है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त वन है। ये चंद्रगुप्त गुप्ता वंश वाले चंद्रगुप्त हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य वाले हैं। एग्जाम में अगर आपको ये पूछें कि चंद्रगुप्त के बारे में, तो अगर आपको चंद्रगुप्त ओनली पूछा है तो आप गुप्ता वंश के बारे में जान सकते हैं। आपको अगर पूछा है कि बताइए कि चंद्रगुप्त प्रथम, तो आप ये समझिए कि वो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हो फिर वो मौर्य साम्राज्य वाले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में कोई वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, वहाँ पे आपको मेंशन किया जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट गुप्ता किंग हु मिंटेड सिल्वर क्वाइंस आफ्टर डिफीटिंग शाखा सत्रप ऑफ उज्जैन एंड आल्सो इन द नेम ऑफ हिज क्वीन एंड द लिच्छवी नेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बात है कि सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा चलाए थे गुप्ता वंश ने, लेकिन चंद्रगुप्त वंश जो थे इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। देखिए सी से चंद्रगुप्त और च से चांदी, ठीक है, या सिल्वर। देखिए सिल्वर को हिंदी में चांदी बोलेंगे, तो च से चंद्रगुप्त, च से चांदी, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। इनके ऊपर देखिए, इनके ऊपर जो इनका नाम और इनकी जो क्वीन थी, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, उनका नाम भी लिखा हुआ था। चंद्रगुप्त वन सीम्स टू हैव ए रूलर कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस बिकॉज ही स्टार्टेड गुप्ता इरा एडी 390-20 विच मार्क द डेट ऑफ हिज एक्सेशन। देखिए यहाँ पे ये बात है कि ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त जो वन है वो 319 में उनका राज्यभिषेक हुआ था, वो राजगद्दी पर बैठे थे। ही एम्फेसाइज हिज पावर एंड प्रेस्टीज बाय मैरिंग कुमार देवी प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी नेशन ऑफ नेपाल। यहाँ के देखिए लिच्छवी की राजकुमारी जिनकी जो नेपाल की थी, यहाँ की लिच्छवी की जो राजकुमारी, जो नेपाल की राजकुमारी थी, उनसे इनकी शादी हुई थी। ही एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज। देखिए श्रीगुप्त और घटोत्कच यानी कि चंद्रगुप्त वन के जो फादर हैं घटोत्कच, और इनके जो दादा हैं चंद्रगुप्त वन के श्रीगुप्त, जिन्होंने शुरुआत की थी। आप देखिए श्रीगुप्त को और घटोत्कच दोनों को कौन सी उपाधि मिली है, महाराज की, लेकिन चंद्रगुप्त वन को कौन सी उपाधि मिली थी, महाराजा धीराज की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे बताइए कि किसकी उपाधि किसे मिली है। ये पूछ सकते हैं कि बताइए कि महाराजा धीराज की उपाधि इनमें से किसे मिली है, तो आपको वहाँ पे श्रीगुप्त भी डाल देंगे, चंद्रगुप्त वन भी डाल देंगे, टू भी डाल देंगे, घटोत्कच भी डाल देंगे। तो आपको वहाँ पे फाइंड करना है कि जो ये महाराजा धीराज की उपाधि है वो चंद्रगुप्त एक को मिली है, लेकिन यहाँ पे जो श्रीगुप्त और घटोत्कच की जो उपाधि है वो सॉरी जो श्रीगुप्त और घटोत्कच को जो उपाधि है वो महाराजा की मिली है, ठीक है। महाराजा धीराज कौन है, चंद्रगुप्त वन, और ओनली महाराज कौन है, श्रीगुप्त और घटोत्कच। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त है नेक्स्ट। देखें समुद्रगुप्त का नाम समुद्रगुप्त पढ़ने का कारण क्या है, आपको मैं एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसा, ये बहुत बहादुर राजा थे, ऐसा माना जाता था कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा है उसने सभी समुद्रों का पानी पिया है। पानी पीने से ये मतलब है, ऐसा नहीं है कि वो पानी पीने बस पानी पिलाने निकल गया, ऐसा नहीं है। देखिए समुद्रगुप्त ने क्या किया था, जितने भी हमारे जो समुद्र के आसपास के जो एरिया लगते हैं, तकरीबन समुद्रगुप्त ने सभी को हमला करके जीत लिया था, तो इसलिए इसका नाम समुद्रगुप्त रखा गया। यानी कि ऐसा राजा जिसने सारे समुद्र को जीता था, ठीक है, समुद्रों के लगने वाले जो राज उसे जीता था, इसलिए इसे समुद्रगुप्त कहा जाता है। तो 335 यानी कि 335 से 375 तक इनका जो शासन था। देखिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये किसने कहा था, ये विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ठीक है, इसे कभी वी ए स्मिथ भी कहते हैं। तो विंसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या कहा था, इन्हें कहा था नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखिए आपको पता ही है नेपोलियन जो एक कितने महान थे, ठीक है, वो एक वीर थे, तो ऐसा ही ये भी उनके जैसे बहादुर थे। जैसे उसने कोई लड़ाई नहीं हारी, इसने भी कोई लड़ाई नहीं हारी।
द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हरिसेन हिज कोर्ट पॉइंट इनरेट्स द पीपल एंड कंट्रीज दैट वर कंकर्ड बाय समुद्रगुप्त विच हैड बीन डिवाइडेड इनटू फाइव ग्रुप्स। अब देखिए जो इनके दरबार कवि थे हरिसेन, यानी कि हरिसेन कौन थे, इनके दरबारी कवि थे, इन्होंने इलाहाबाद का जो पिलर है ना, इलाहाबाद में जो पिलर है उसके ऊपर समुद्रगुप्त की विजय के बारे में लिखवाया गया है, ठीक है। यानी कि जो इनके हरिसेन जो दरबारी कवि थे, तो उन्होंने इलाहाबाद का जो पिलर है तो वहाँ पे क्या है, समुद्रगुप्त की लड़ाइयों के बारे में, उसकी विजय के बारे में, उसकी बहादुरी के किस्से के बारे में वहाँ पे बताया गया है। तो ये पांच ग्रुप में बटा हुआ है। 12 किंग्स वर डिफीटेड इन कोर्स ऑफ समुद्रगुप्त दक्षिण पथ कैंपेन हु रीच एज फार एज कांची एंड पल्लव रूलर विष्णुगुप्त वाज कंपेल्ड टू रिकग्नाइज हिज सर्जेंटी बट ही रीइंस्टेटेड ऑल 12 किंगडम एज ट्रिब्यूटरी स्टेट। देखिए इन्होंने क्या किया था कि जो 12 राज्य थे, यानी कि जो 12 स्टेट थी समुद्रगुप्त ने, वह दक्षिण की तरफ, यानी कि देखिए साउथ इंडिया की बात करें तो समुद्रगुप्त ने 12 राज्य जीत लिए थे जो समुद्र किनारे लगते थे, तो उनको इसने क्या किया था, अपने कब्जे में नहीं किया था। देखिए दक्षिण बहुत दूर पड़ता है, साउथ बहुत दूर पड़ता है, अगर ये वहाँ पे खुद का राज कर लेते तो अपने राज में ये जा नहीं पाते, इसलिए क्या इन्होंने उसको जीत तो लिया, लेकिन जीतने के बाद जिनका राज था उनको वापस दे दिया, लेकिन उनको अपने अंडर कर लिया, इनकी उनको अपने अधीन कर लिया। यानी कि जैसे 12 राज्यों को जीता, उनको उनका राज्य वापस दिया, तो उनको ये बोला कि आप मुझे टैक्स देते रहिए बस। वीरसेन वाज आर्मी कमांडर इन द फेमस सदर्न कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्त। देखिए जो वीरसेन है वो इनके बहादुर कमांडर थे, इनके इनके सेनापति थे समुद्रगुप्त के, जिन्होंने साउथ कैंपेन इनकी जो 12 राज्य जीते थे उनमें इसका साथ दिया था। इन अलावा इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त डिस्क्राइब हिम एज द हीरो ऑफ 100 बैटल्स इन वन ऑफ हिज क्वाइंस ही कॉल्ड हिमसेल्फ लिच्छवी द्वित्रा। अब देखिए इलाहाबाद का जो इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे हरिसेन ने लिखवाया था, ठीक है, वहाँ पे समुद्रगुप्त ने, देखिए समुद्रगुप्त को हीरो बताया गया है, यानी कि जो हरिसेन ने इलाहाबाद का पिलर लिखा है वहाँ पे समुद्रगुप्त को हीरो बताया गया है, जिसने 100 लड़ाइयाँ जीती थी, ठीक है। तो वाकई जिसने 100 लड़ाइयाँ जीती है वो तो हीरो ही है, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसने यानी कि एक क्वाइन ऐसा भी मिलता है जिसके ऊपर इसे लिच्छवी द्वित्रा कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है लिच्छवी द्वित्रा का मतलब देखिए क्या है, डॉटर सन ऑफ लिच्छवी, ठीक है, डॉटर्स सन ऑफ लिच्छवी, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है यानी कि लिच्छवी की राजकुमारी का पुत्र, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो लिच्छवी की राजकुमारी थी वो चंद्रगुप्त वन की वाइफ थी, यानी कि इनकी माँ थी समुद्रगुप्त की, ठीक है। तो ये लिच्छवी द्वित्रा लिखा हुआ है, तो आप ये इसका मतलब भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये भी आ सकता है लिच्छवी द्वित्रा किसके बारे में लिखा है, समुद्रगुप्त के बारे में। ही परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ टू क्लेम इम्पीरियल टाइटल एंड स्ट्रक गोल्ड क्वाइंस ऑफ यूपा टाइप ऑफ कॉमरेड द ओकेजन। देखिए इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, देखिए जब मैंने एशियन हिस्ट्री स्टार्टिंग करवाई थी यहाँ पे मैंने यज्ञ के बारे में करवाया था कि जो अश्वमेध यज्ञ होता है वहाँ पे एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है राजा के द्वारा, घोड़ा जहाँ पे रुकता है जाके तो वो सारी जगह जो है वो राजा की हो जाती है, लेकिन घोड़ा जब रुकता है तो उसके बाद घोड़े की बलि दे दी जाती है, यानी कि जो घोड़ा छोड़ा था तो जहाँ पे घोड़ा जाके रुकेगा फिर उसी घोड़े की बलि दी जाती थी, ठीक है। तो वो होता है अश्वमेध यज्ञ। ही मेंटेन द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन ग्रांटेड परमिशन टू बोध गया किंग ऑफ साइलोन। अब देखिए श्रीलंका, यहाँ पे साइलोन जो लिखा है ना, सिलोन, यहाँ पे लिखा है सिलोन, ठीक है, ये लिखा है सिलोन, CYLON, सिलोन, सिलोन जो है वही है आज का श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका का पहला नाम क्या था, सिलोन नाम था। अब देखिए इन्होंने क्या किया था समुद्रगुप्त ने, यहाँ पे देखिए एक अच्छी बात यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे कहा था, यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त ने ये कहा था कि जो सिलोन यानी कि जो राजा है वहाँ के श्रीलंका के, इन्होंने इनको अनुमति दी थी यानी कि परमिशन दी थी कि जो बौद्ध गया है वहाँ पे आके ये वहाँ पे कुछ मूर्ति वगैरह बना सके, ठीक है। यानी कि समुद्रगुप्त ने देखिए कि जो राजा थे श्रीलंका के उनको आज्ञा दी थी, परमिशन दी थी कि आप आइए आके यहाँ पे जो है वो रिलीजियस टॉलरेशन कर सकें, यानी कि जो बौद्ध है उनके वहाँ पे कुछ मूर्ति अगर बनानी है तो वो वहाँ पे बना सके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने ये परमिशन दी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, कई बार देखिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है
तो आप इसे ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखें यहाँ पे बात करते हैं मेघवर्मन। देखिए ये राजा थे श्रीलंका के मेघवर्मन। टू बिल्ट ए मोनेस्ट्री एट बोध गया सो ही वॉज कॉल्ड अनुकंपव। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपको बताया ना, जैसे श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, ठीक है, उन्होंने बोध गया में आके जो था मोनेस्ट्री बनाई जिसे नाम दिया गया अनुकंपव। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं जिसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप इसे देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से आसानी से हो जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है ही वॉज़ ए ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट, अडॉप्ट द टाइटल ऑफ कवि राजा, पोइट्स लाइक हरिसेन एंड वासुबंधु अडॉन हिज कोट ऑन सम गोल्ड क्वाइन ही वाज शो प्लेइंग द वीणा। अब देखिए ये बहुत, ये देखिए ये आर्ट के यानी कि कला के ये बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रशंसक थे। ठीक है, ये बहुत पसंद करते थे कला को, तो इनको टाइटल वो मिला था कविराज का। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि कविराज की उपाधि किसे दी गई है, वो दी गई है समुद्रगुप्त को। देखिए घटोत्कच और उनके जो फादर हैं श्रीगुप्त, उनको मिली थी महाराज की उपाधि, महाराजा अधिराज की उपाधि दी थी चंद्रगुप्त को। अब उनके जो बेटे हैं समुद्रगुप्त, उनको कौन सी उपाधि मिली है, कविराज की। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उपाधि, जो टाइटल है एग्जाम में डेफिनेट पूछते ही हैं। अब हरिसेन जो वासुबंधु हैं इनके दरबार में जो कवि थे। अब देखिए कि कुछ ऐसे गोल्ड कॉइन हैं, कुछ ऐसे सोने के सिक्के हैं जहाँ पे समुद्रगुप्त को वीणा पकड़े हुए दिखाया गया है, तो इसका ये मतलब है कि वो वीणा भी बजाने का शौक रखते थे। ऑन वन ऑफ द क्वाइन समुद्रगुप्त इज रिप्रेजेंटेड एज प्लेइंग फ्लूट। अब देखिए कुछ क्वाइंस पर वो फ्लूट बजाते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो कभी फ्लूट बजा रहे हैं, कभी वो वहाँ पे वीणा बजा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो वो कला प्रेमी हैं यानी कि उनको आर्ट पसंद है। ही ऑल्सो पेट्राइज द बौद्ध स्कॉलर वासुबंधु एंड स्टडी बुद्धिज्म अंडर हिम। अब देखिए जो बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं जो वासुबंधु, ठीक है, इन्होंने इनके अंडर रह के जो बुद्धिज्म को सीखा था। थो ए फॉलोअर ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड फॉलोअर ऑफ वासुदेव ही वॉज टॉलरेंट टुवार्ड्स अदर फेथ। ही रिसीव्ड ए मिशनरी फ्रॉम द रूलर मेघवर्मन ऑफ श्रीलंका सीकिंग हिज परमिशन टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ एट गया विच ही ग्रांटेड। अब देखिए जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, तो इनको ने परमिशन दी थी कि वो बौद्ध मंदिर में, इनकी बौद्ध गया जो मंदिर है वहाँ पे आकर अगर कुछ धार्मिक चीज़ें करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने वहाँ पे मोनेस्ट्री बनाई थी, एक छोटा सा मंदिर बनाया था वहाँ पे अलग से, तो ये इन्होंने परमिशन दी थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आराम से, तो ये आना बहुत ज़रूरी है। देखिए 2 बार तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख ही सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट है चंद्रगुप्त 2। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे लिखा हो चंद्रगुप्त 1 चंद्रगुप्त 2, तो ये मतलब क्या है, ठीक है, ये मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब है, ये हिस्टोरियन जो है इन्होंने यहाँ पे 1 2 लिखा है, ये ऐसा नहीं है कि वो राजा अपने बेटे का नाम 1 रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि वो जो चंद्रगुप्त 2 है 1 है, ये हिस्टोरियन जो इतिहासकार हैं उन्होंने आपकी सहूलियत के हिसाब से बनाया है। मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्रगुप्त हो 1 2 कुछ हो ही ना, है ना, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएंगे ना, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा है ये कैसे आ गया, इसलिए उन्होंने 1 2 का नाम दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट। देखें समुद्रगुप्त के बाद को, देखिए समुद्रगुप्त वाज सक्सीड बाय रामगुप्त बट चंद्रगुप्त 2, बट चंद्रगुप्त 2 किल्ड हिम एंड मैरिड हिज क्वीन ध्रुव देवी। अब देखें यहाँ पे ये माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे यानी कि जो चंद्रगुप्त 2 थे वो बैठे समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर, लेकिन इससे पहले इनके जो बड़े भाई थे जिनका नाम था जिनका नाम था रामगुप्त, वो बैठे थे राजगद्दी पे। अब हुआ यूँ था कि जो रामगुप्त थे, ठीक है, जो रामगुप्त थे वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ऐसा था कि जो ऐसा माना जाता है कि जो रामगुप्त है वो अपनी पत्नी ध्रुव देवी, ठीक
ठीक है, जिन्होंने देखिए चंद्रगुप्त डूगू ने जिनसे शादी की थी ध्रुव देवी से, ये इनके बड़े भाई की पत्नी थी, लेकिन इन्होंने अपने बड़े भाई को मार डाला। क्यों? देखिए उसका कारण ये था कि जो इनके बड़े भाई थे रामगुप्त, वो अपने पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक, जो शक के जो राजा थे, उनको सौंपने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है, जो शक वंश के जो राजा थे, इनके बड़े भाई जो रामगुप्त थे, वो अपनी पत्नी को उनको सौंपने को तैयार हो गए थे, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त को गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया कि अपने बड़े भाई को मार डाला और ध्रुव देवी से शादी कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद इन्होंने फिर उसके ऊपर हमला कर दिया था, शक वंश के ऊपर। ठीक है, तो यही कारण था इसका। देखिए चंद्रगुप्त टू वाज ए ग्रेट कंकरर लाइक हिज फादर एंड हिज रैन सॉ द हाई वाटर मार्क ऑफ द गुप्ता एम्पायर। मेहरोली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन क्लेम द हिज अथॉरिटी ऑफ ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड ए गुड पोर्शन ऑफ बंगाल। चंद्रगुप्त टू डॉटर्स प्रभति वाज मैरिड टू वकाटक किंग रुद्रसेन टू हु डाइड वेरी सून। देखिए चंद्रगुप्त टू है, वे अपने फादर की तरह, इनकी अपने पिता की तरह ही बहुत ज़्यादा महान थे, अच्छे शासक थे। ठीक है, तो मेहरोली, देखिए मेहरोली कहाँ पर है? मेहरोली है दिल्ली में, दिल्ली में है मेहरोली। मेहरोली में क्या है? मेहरोली में है वहाँ पे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास एक लोहे का खंभा है, यानी कि एक आयरन पिलर है, जिसको आज तक जंग नहीं लगा। उसके ऊपर चंद्रगुप्त टू के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि जो दिल्ली का मेहरोली है वहाँ पे किस राजा के बारे में, लोह जो आयरन पिलर है वहाँ पे किस राजा के बारे में लिखा है, वो है चंद्रगुप्त टू। ये कौन से हैं? ये गुप्ता वंश के राजा हैं। ठीक है, तो इनकी जो बेटी थी जिनका नाम था प्रभावती, इनकी मैरिज हुई थी वकाटक के राजा रुद्रसेन टू के साथ, जो रुद्रसेन वन के जो बेटे थे, लेकिन उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी या मौत हो गई थी। द सी बॉर्न ट्रेड विद यूरोप ब्रॉड चंद्रगुप्त टू इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद यूरोप थ्रो इजिप्ट। चंद्रगुप्त इज रिप्रेजेंट इज एज किलिंग ए लॉयन ऑन हिज क्वाइंस, अनलाइक हिज फादर ही शो ए किलिंग ए टाइगर। देखिए चंद्रगुप्त जो टू थे, इनका समुद्री रास्ते के जरिए देखिए व्यापार था, ये बहुत ज़्यादा इनका क्लोज कॉन्टैक्ट था यूरोप के साथ, यानी कि यूरोप से व्यापार करते थे, समुद्री रास्ते के जरिए व्यापार होता था। देखिए कुछ सिक्कों के ऊपर इनका इनकी फ़ोटो बनी हुई है, जिसके ऊपर ये शेर को मार रहे हैं, इनका शिकार कर रहे हैं शेर को। तो जैसे ऐसे ही इनके फादर ने भी शेर को मारा था, तो वैसे इनकी फ़ोटो भी इनके कॉइन पर लगी हुई है। थो ए फाहियान ट्रैवल एक्सटेंसली इन चंद्रगुप्ता एम्पायर एंड रिकॉर्ड द प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग हिज दिस टाइम। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट चाइनीज पिलग्रिम नेवर रिकॉर्डेड द नेम ऑफ द किंग बिकॉज ही वॉज टोटली प्रीकोपाइड विद द स्टडी ऑफ बुद्धिज्म। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो फाहियान थे वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे यहाँ पे इंडिया आए थे। वो क्यों आए थे यहाँ पे? कि ताकि जो बुद्धिज्म है उसकी स्टडी की जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने देखिए जो फाहियान थे उन्होंने चंद्रगुप्त टू का वहाँ पे नाम लिखा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अपने बुद्धिज्म की स्टडी में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। देखिए चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य वाज द फर्स्ट अमंग द किंग्स गुप्ता किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन। देखिए जो चंद्रगुप्त टू हैं इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई है। ठीक है, ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को चलाया था। मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग में बताया ना कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे। देखिए सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण ने। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? वो चलाए थे गुप्ता वंश ने। अब गुप्ता वंश में सोने के सिक्के चलाने किसने शुरू किए थे? वो किए थे चंद्रगुप्त टू ने। देखिए जो इनके जो चंद्रगुप्त वन थे, यानी कि जो चंद्रगुप्त वन थे, जो चंद्रगुप्त टू के जो दादा थे, ठीक है, उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, लेकिन इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, सोने के किसने चलाए हैं। ठीक है, दीज क्वाइन वर मोडलेड ऑन द सिल्वर क्वाइन शू बाय द साका ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। वीर सेन उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन रेफर टू हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होल वर्ल्ड। देखिए जो वीर सेन ने जो वीर सेन थे उन्होंने इनके बारे में, ठीक है, इनके बारे में देखिए वीर सेन कौन थे? ये सेनापति थे। किसके? ये सेनापति थे इनके जो फादर थे समुद्रगुप्त, उनके सेनापति थे। लेकिन वीर सेन ने यहाँ पे
इनके बहादुरी के किस्से उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वहां पे लिखवाए हैं। ही डिफीटेड द लास्ट ऑफ द साकर रूलर रुद्रसिम्हा थी एंड एनेक्स द टेरिटरी ऑफ द वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात। देखिए इन्होंने जो शक शासक थे रुद्रसिम्हा थ्री उसको हरा दिया, तो उसका जो वेस्टर्न मालवा वाला और गुजरात वाला एरिया था उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ही वॉज कॉल्ड विक्रमादित्य। तो देखिए क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किस राजा को, गुप्ता वंश के किस राजा को राजा विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो उसका आंसर है चंद्रगुप्त टू। देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ही आल्सो टुक द टाइटल ऑफ सिम्हाविक्रमा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त टू मेड उज्जैन द सेकेंड कैपिटल ऑफ द एम्पायर। देखिए जो चंद्रगुप्त टू है उसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ही स्टैंड द एम्पायर बाय मैट्रिमोनियल अलायंस मैरिड हिज डॉटर प्रभावती टू वकाटक प्रिंस रुद्रसेन टू। देखिए इसने जो मैट्रिमोनियल अलायंस के जरिए, इनकी देखिए ऐसा होता है कि बिना युद्ध लड़े किसी रानी से शादी कर लेना या उस राजकुमार के साथ अपनी बेटी की शादी कर देना, वो होती मैट्रिमोनियल अलायंस। तो उससे इसने अपना शासन जो था, राज था, वो काफ़ी आगे बढ़ाया। ही हिमसल मैरिड ए नागा प्रिंस कुबेर नागा। अब देखिए इन्होंने जो नागा प्रिंसेस थी कुबेर नागा, उनके साथ शादी की। ही वॉज ऑल्सो ए मैन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, हिज कोर्ट एट उज्जैन वॉज अडोर्न बाय नवरत्न। देखिए ये आर्ट एंड कला के, ठीक है, ये आर्ट एंड कला जो आर्ट एंड कल्चर है उसके बहुत ज़्यादा जो क्या कहते उसको बहुत ज़्यादा प्रेमी थे। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद था। इनके दरबार में देखिए जो इनकी कोर्ट थी उज्जैन में, वहाँ पे नवरत्न थे, नवरत्न मैंने की या वहाँ इनके जो नौ दरबारी थे। ठीक है, जैसे कालिदास, अमर सिम्हा, फाहियान, आचार्य, दिनगंगा आदि। ठीक है, तो इनके दरबार में नौ कवि थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो वीरसेन वाज द कोर्ट पोएट एंड मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त टू। ठीक है, देखिए जो वीरसेन थे यहाँ पे वो कौन थे, वो इनके दरबारी कवि थे। यानी कि देखिए जो वीरसेन थे वो कौन थे, वो इनके जो दरबारी कवि थे वीरसेन। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे जो मालवा का जो वीरसेन थे, इन्होंने जहाँ पे लिखा था ना मैंने आपको ऊपर कि जो उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट हम राजा की बात करेंगे कुमारगुप्त एक बार में। देखिए 413 से 455 इनकी 455 AD तक रहे थे। देखिए ही सुम द टाइटल ऑफ महेंद्रादित्य। इनको महेंद्र आदित्य की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक राजा को देखिए अलग अलग उपाधि दी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी, ही वॉज ए वर्शिप ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। देखिए ये इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। ठीक है, और जो भगवान शिव के जो बेटे हैं कार्तिकेय, ये उनके भक्त थे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो बिल्कुल भी इसको छोड़िएगा मत। कुमार गुप्त वन इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ कॉइन्स ऑफ गोल्ड, वन ऑफ देम फिगर्स द गोट कार्तिकेय राइडिंग ऑन हिज पीकॉक ऑन द रिवर्स एंड द किंग फीडिंग ए पीकॉक ऑन द ऑब्जर्व। देखिए कुमार गुप्त ने एक अनोखे तरह के सोने के सिक्के चलाए थे, जिसके एक तरफ दिखाया गया है कि जो भगवान शिव के बेटे हैं कार्तिकेय, वो अपनी जो पीकॉक की सवारी, इनकी जो मोर की सवारी है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो सिक्के के दूसरी तरफ दिखाया गया है कि कुमारगुप्त उसी पीकॉक को देख रहे हैं। द फर्स्ट हुन अटैक टूक प्लेसिंग ड्यूरिंग कुमारगुप्त। देखिए पहला जो कबीले थे उनका अटैक हुआ था कुमारगुप्त के टाइम पे। ही वॉज वेरी ओल्ड दैट टाइम। देखिए उस टाइम बहुत बूढ़े हो चुके थे। दैट एज कुमार डाइड वैन क्राउन प्रिंस वॉज स्टिल इन द फील्ड AD। देखिए ये अपने शासनकाल के दौरान ही मर गए थे, इनके ऐसा नहीं है कि अपने शासनकाल के बाद मरे थे, उसी दौरान मर गए थे। ठीक है, कुमार गुप्त परफॉर्म्ड अश्वमेध सैक्रीफाइसेस बट वी डू नॉट नो ऑफ इज आर्मी मिलिट्री सक्सेस तो ही मेंटेन द वास्ट एम्पायर इंटैक्ट। देखिए कुमार गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, लेकिन हमें उनकी लड़ाइयों के बारे में, युद्ध के बारे में नहीं पता चलता। तब भी उन्होंने देखिए अपना जो शासन था काफ़ी लंबे समय तक बना के रखा गया था। ठीक है, टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रैन द एम्पायर वॉज अटैक्ड बाय पुष्यमित्र ट्राइब। अब देखिए जो इनका शासन था, ठीक है, उसके ऊपर पुष्यमित्र के
कि जो कबीला था उसने हमला कर दिया। बाय 485 AD द हूनास ऑक्युपाइड द ईस्टर्न मालवा एंड गुड पोर्शन ऑफ द सेंट्रल इंडिया। अब देखिए जहाँ पे इनका राज था मालवा पर और सेंट्रल इंडिया पर, उनके ऊपर हूणों ने अटैक किया, हूण प्रजाति ने, जो कबीले थे, ट्राइबल थे, इन्होंने हमला किया। तो इनके पास से ये नॉर्थ वाला एरिया, नॉर्थ इंडिया का, और जो नॉर्थ वाला एरिया जो पार्ट था वो तकरीबन जो और मालवा का जो पार्ट था वो यहाँ से इनके पास से चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। देखिए 455 से 467 यानी कि 455 से 467 तक रहे। वन ऑफ द गोल्ड कॉइन ऑफ द किंग स्कंदगुप्त डिपसाइड द किंग एज स्टैंडिंग विद ए बो इन द वन हैंड एंड एरो इन अदर विद ए गरुड़ा स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। देखिए गोल्ड कॉइन जो सोने के सिक्के हैं वहाँ पे क्या है कि इनके हाथ में तीर कमान है और दूसरी तरफ इनके साथ कौन खड़े हैं, इनके सामने कौन खड़े हैं, गरुड़। ठीक है, इनके हाथ में तीर कमान है, साथ में गरुड़ खड़े हैं। तो ये सोने के सिक्के के ऊपर इनकी फोटो बनी हुई है। टू हिज राइट इज गोडेस लक्ष्मी फेसिंग द किंग विद द लोटस इन हर हैंड। अब देखिए इनके दाहिने तरफ इनके राइट साइड कौन है, और लक्ष्मी माता है। ठीक है, तो जिनके हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। तो ऐसे सोने के सिक्के ऊपर देखिए इनकी जो फोटो बनी हुई थी। ठीक है, देखिए इनको ही रिस्टोर्ड द सुदर्शन लेक। देखिए जो सुदर्शन लेक है इन्होंने इसको द्वारा से फिर से उनका निर्माण करवाया, से रिस्टोर करवाया। स्कंदगुप्त रिपल्स्ड द फेरियशस हूना ट्वाइस। देखिए स्कंदगुप्त के टाइम पे क्या हुआ, हूना ने दो बार आक्रमण किया। दिस हीरोइक फीट एंटाइटल हिम टू इज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। देखिए इन्होंने दो बार हूणों को हरा दिया था जब उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उनकी वजह से इनका जो शासन था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, लेकिन इनकी बहादुरी की वजह से इनको टाइटल दिया गया विक्रमादित्य का। स्कंदगुप्त सक्सेसर प्रूव टू बी वीक एंड कुड नॉट रिसिस्ट द हूणा इन्वेडर हु एक्सेल्ड इन हॉर्स मैनशिप एंड पॉसिबली यूज स्ट्रिप्स मेड ऑफ मेटल। अब देखिए जो इनके शासक थे, आगे आने वाले उत्तराधिकारी थे, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वो कमज़ोर थे, तो जो हूणा के अटैक को रोक नहीं पाए, जिनके बाद इनका पतन होना शुरू हो गया, ख़त्म होने शुरू हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके बाद देखिए कई राजे निकल के आए, जैसे चालुक्य निकल के आए, पल्लव निकल के आए, तो काफ़ी राजे जो निकल के आए जो गुप्ता वंश के बाद हम पढ़ेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, इसके बाद हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो फ्रेंड्स अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।